गाइस मम्मी आ गई घर पे और मम्मी बोल रही है, क्या बोल रही है मम्मी, क्या करो चैनल को जल्दी सच बोलो। सच बोल तो बोल मेरे साथ। सही भाई बहनों को नमस्कार, माताओं को प्रणाम और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग और मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों को प्रणाम। और आज के व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं क्योंकि आज आ रही है मेरी मम्मी और आज घर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मम्मी आई है, तो मम्मी समझ जाओ ऐसा मजा आने वाला है। तो मैं जल्दी से फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ और हमें फिर एक्सरसाइज भी करनी है, तो मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई ब्रेकफास्ट तो हो गया यार, अब ना कॉफी पीने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ कॉफी बना लूँ, तो चाय का भी कर रहा है। पर यार चाय ना मम्मी बनाएगी तो आएगा मजा, मम्मी आएगी तो मम्मी के हाथ की पियेंगे ही चाय एक, पर मैं बनाता हूँ कॉफी क्योंकि कॉफी हेल्प करेगी मुझे जिम के लिए, क्योंकि कॉफी में होता है कैफेन और काफी लोग होते हैं जो जिम में अपना यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह, बट अपन यूज करेंगे कॉफी, ब्लैक कॉफी सबसे बेस्ट चीज है जो आपको एनर्जेटिक रखती है थ्रू आउट द वर्कआउट, तो एक ब्लैक कॉफी बनाते हैं फटाफट। तो गाइस कॉफी बन गई है, पर मैं सोच रहा हूँ नीचे चलता हूँ, बहुत अच्छी धूप आ रही है, धूप में खड़ोगे पियेंगे आराम से मजा आएगा। और ये देखो दोस्तों हर बार की तरह कौन आ गया है, इसका कुछ काम नहीं है, पूछ लाती लाती आ गई है। गाइस धूप और कॉफी का मजा ही कुछ अलग है, देखो आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ, इतनी तेज धूप हो रही है, पर मजा आ रहा है। तो दोस्तों कॉफी तो हो गई है, बस अब चल रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 10 से 15 मिनट, उसके बाद निकलेंगे जिम के लिए, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, पूछ लूँगा एक बार गुरु जी से अगर वो शूट करने देंगे अंदर, वो तेरे वीडियो बना देते हैं ब्लॉग का, एक बार पूछ लूँगा अगर वो कुछ मुझे अलाउ करें तो मैं कोशिश करूँगा, अदरवाइज मैं अपनी क्लिप्स तो डाल ही दूँगा वीडियोज़ के अंदर। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक फिटनेस टिप के साथ साथ एक हेल्थ टिप भी लेके आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा थिन और बहुत ज़्यादा यू नो स्लिम ट्रिम होते हैं और जिनको वेट गेन कर रहे हैं, मस्ट हैव चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। जो ज़्यादा पतले लोग हैं वो दिन में 2 बार खा सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर यही लोग यही चीज़ खाते हैं, प्रेफर करते हैं जब वो गेनिंग फेज पे होते हैं, तो उनके लिए बोलूँगा जो मतलब नॉर्मल जो बॉडी बिल्डर नहीं बॉडी बिल्डिंग नहीं भी कर रहे हैं और जिनको सिर्फ नेचुरली वेट गेन करना है विदाउट एनी सप्लीमेंट के थ्रू, तो ये देखिए ये है स्वीट पोटैटो, ठीक है, इसको आप मॉर्निंग में खा सकते हो या फिर अपनी रेगुलर डाइट में कभी भी इंक्लूड कर सकते हो, सुबह दिन रात कभी भी, तो 2 टाइम खाओगे तो ज़्यादा बेस्ट है। जो ज़्यादा अल्ट्रा थिन जिन्हें बोलते हैं अल्ट्रा पतले हैं वो 2 बार खा सकते हैं, और जिनको सिर्फ जो नॉर्मल है जिनको सिर्फ 2-3-4 किलो वेट गेन करना है वो मॉर्निंग में 1 बार खा सकते हैं, और जो जिनको और कुछ एडिशन लाना है वो मिल्क शेक वगैरह ही पी सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो मतलब ये जो मैंने आपको बताया स्वीट पोटैटो द बेस्ट थिंग फॉर द वेट गेनिंग, अगर आपको गेन करना है आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो, आपको जरूर 100% फायदा मिलेगा, और फायदा मिलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मतलब इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है आप उनमें भी देख सकते हो, वो लोग यही प्रेफर करते हैं स्वीट पोटैटो, तो आप इसको इंक्लूड करो, टेस्टी भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाया नहीं जाएगा, बिल्कुल खाया जाता है, आप खा के देखना मजा आएगा आप लोगों को, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना को कैसा लगा ये। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो ऑफिस का वो करना बहुत जरूरी था, मैं डिनाई नहीं कर सकता था, मुझे कॉल पर जाना पड़ा और काम निपटाना पड़ा मुझे, वो जिम के लिए भी बहुत लेट हो गया हूँ, टाइम हो गया, बट देखते हैं जाता हूँ वहाँ पर, देखता हूँ क्या माहौल है, खुला होगा तो कर लेंगे नहीं तो घर आ जाएंगे और क्या होगा उसके। तो जल्दी से फटाफट पहुँचते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, भूख भी लग रही है, फिर उसके बाद फटाफट से खाना वाना भी खाएंगे और मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी का कब कॉल आता है, फटाफट चलते हैं। भाई ये चल पड़ा हूँ मैं तो, और आज ना धूप तो है बढ़िया, शीतलहर चल रही है, कान में लग रही है बड़ी तेज तेज, बट क्या करें भाई गंजे हैं तो झेलना पड़ेगा ये सब, चलते हैं फटाफट एक्सरसाइज निपटाते हैं। तो भाई मैं तो पहुंच गया हूँ, फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं पर देखते हैं क्या माहौल है। दोस्तों आप देख सकते हो मैं कर रहा हूँ गाड़ियों और सभी भाइयों के लिए हेल्थ टिप, कभी भी वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो ना करें, हमेशा एंड के लिए बचा के रखें गाड़ियों,
अगर पहले कर लोगे तो आपकी बॉडी थक जाएगी और आप वेट ट्रेन नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट है इसको एंड के लिए बचा के रखो और एंड में खारी कार्डियो करो ताकि आपकी पूरी बॉडी वेट ट्रेनिंग ले ले, देन एंड में आप अपने कार्डियो को ट्रेन कर सकते हो इजीली। मैं वीडियो के बीच में भी कुछ क्लिप्स डाल दूंगा जैसे आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं विद डंबल्स। इजीली इजी एक्सरसाइज है और इजीली डंबल के साथ परफॉर्म कर सकते हो, तो गाइस जरूर करना। और हाँ, अगर घर में साइकिल नहीं है तो उसके लिए मैंने अपनी बैंड सीरीज में डाला हुआ है, वो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, घर पहुंच गया हूँ यार। हो थक गए यार, इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, फिर वही ठंडा मौसम हो गया, ऐसे कान पे चांटे लग रहे थे ना भाई साहब, बता नहीं सकता मैं आपको। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा, जब घर पहुंचा था तो ये कुछ पार्सल आया मनु का, इसकी अनबॉक्सिंग जब मनु आएगी तभी करेंगे। एक पार्सल और आना है क्योंकि मेरे अमेज़न से ही हुआ है, तो एक और है जब मनु आएगी तो उन्हें अनबॉक्सिंग साथ में ही करेंगे, देखते हैं। बस मैं मम्मी के कॉल का वेट कर रहा हूँ, जैसी मम्मी आती हैं तो मम्मी को लेने जाऊँगा, बस और क्या है। उसके बाद अब तक जब तक आते हैं तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ, कुछ ऑफिस का काम भी निपटा देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मेल्स वगैरह आ रखी हैं इंपॉर्टेंट, उस पर कुछ काम करना है मुझे, तो वो भी कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से। तो दोस्तों मम्मी का आ गया फोन, अब जा रहा हूँ मम्मी को लेने फटाफट से। गाइस मम्मी और मैं आ गए, मम्मी कर रही है हेलो चल घर पहुँचते फटाफट से। तो गाइस मम्मी आ गई घर पे और मम्मी बोल रही है, क्या बोल रही है मम्मी, क्या करो चैनल को जल्दी बोलो, मम्मी कह रही है चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है शेयर करो और लाइक भी करो, है ना, लाइक भी करो, ठीक है। गाइस अब जल्दी से अब खाना बनाने का कुछ सिस्टम देखते हैं, फिर खाना खाते हैं जल्दी से मम्मी के हाथ का आज, चलो ओके। तो गाइस ये देख रहे हो मम्मी बना रही है रोटी, बहुत टाइम बाद मजा आएगा, मम्मी ने गेहूं सब्जी क्या बनाई है, मटर मशरूम, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, और भाई साहब चटनी हो ये भाई साहब, ये होता है देखो मम्मी का फायदा है ना, मतलब समझ लो इतने दिन से सूखा सूखा चल रहा था जो भी चल रहा था, बट आज आज आएगा मजा। तो मम्मी ने इतनी बेहतरीन चटनी बनाई है और साथ में रोटी और साथ में सब्जी, और मजा आ गया आज तो भाई साहब, गजब मजा आने वाला है आज, है ना। फिर मम्मी और मैं बैठ के, मम्मी कुछ है मीठा अपने पास, गुड़ की पट्टी वगैरह नहीं है ना, ओहो चल कोई नहीं, मेरा तो ऑफिस का काम ही खत्म नहीं हो रहा है, ऑफिस का काम निपटाना है यार, अगर नहीं कॉल पे कॉल चल रही है मेरी नहीं है, उसके बाद थोड़ा खाना वाना खाएंगे आराम से बैठ के, मज़ा आएगा है ना, खा लूँगा उसके बाद मुझे फिर वीडियो एडिट भी करनी है और फिर मुझे अपने उसको लगाना है रेंडर भी कर पे लगाना है। 10:45 हो गए हैं और अपने को यह व्लॉग करना पड़ेगा एंड, क्योंकि अब इसके बाद एडिटिंग करनी है, उसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। खाना भी खाना, खाना भी नहीं खाया, भूख लग रही है बहुत तेज, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।